हे हाय, तो मैं आपका फेवरेट डॉक्टर अभिनीत गुप्ता आज एक सीरियस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। प्लीज गाइज, मेरे वीडियो को पसंद करो या ना करो, ये वीडियो एटलीस्ट उन लोगों को शेयर जरूर कर देना जिनको सफेद दाग का प्रॉब्लम है, लाइक विटिलिगो या लिगोडर्मा है। तो प्लीज ये वीडियो उनको जरूर शेयर कर देना, बिकॉज आज मैं आपको नहीं बोलूंगा कि मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, दबाना हो दबाओ, नहीं दबाना नहीं दबाओ, मेरे पसंद आए वीडियो ठीक है। बट ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये थोड़ा मैं सीरियस मैटर पे बना रहा हूँ, बिकॉज जिसको इश्यूज होते हैं, जिसको सफ़ेद दाग प्रॉब्लम होती है, लाइक ल्यूकोडर्मा होता है, जिसको पैचेस आ जाते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल स्टेटस हम लोग नहीं समझ सकते, बिकॉज जिसके साथ होता है वो ही जान सकता है। तो ये वीडियो मैं उन्हीं के ऊपर बना रहा हूँ। बहुत सारे मार्केट में ट्रीटमेंट होते हैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बॉडी के सेल ही बॉडी के मेलानिन पिगमेंट को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये कोई ऐसा कोई छूत की बीमारी नहीं होती है, बट लोग समाज में देखा जाता है उनको उसी तरीके से, बट ये कोई छूत की बीमारी नहीं होती कि छूने से फैल जाएगी, कुछ फैल जाएगी। ये बहुत से किसी को भी हो सकती है, आपको हो सकती है, मेरे को हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। जनरली मिसकंसेप्शन है कि दूध और मछली खाते हैं तो हो जाता है या ऐसा कुछ खाते हैं, देखो उसका कोई रीज़न नहीं होता। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत तरीके के होते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। ऑटो इम्यून मतलब ऑटोमेटिक, जो हमारे इम्यून सिस्टम, जो हमारे, एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे बाहर पुलिस है, वो काहे के लिए, वो हमारी सेफ्टी के लिए, पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए होती है। बट अगर वो हमारी पुलिस ही पागल हो जाए तो क्या होगा, वो हमी को मारने लगेगी तो क्या होगा, हमें कौन बचाएगा, कोई नहीं। तो जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा बॉडी का, जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो को कहते हैं कि हमारे सर्दी बुखार जुकाम से हमें इम्यून जो बचाता है, जब वो पागल हो जाता है, जब किसी भी रीज़न से पागल हो जाता है, तो वो हमारे सेल्स को, मेलानिन पिगमेंट को डिस्ट्रॉय करने लगता है, तो ल्यूकोडर्मा हो जाता है या विटिलिगो हो जाता है, या बालों को डिस्ट्रॉय करने लगता है, हेयर फॉलिकल को, तो एलोपेशिया एरेटा हो जाता है, ठीक है। सेम अगर वो आपके जोड़ होते हैं उनके कार्टिलेज को डैमेज करने लगे तो आपको अर्थराइटिस हो जाएगा, गठिया बाद जो आपने सुना होगा, हार्ट को हो जाए तो हार्ट में इश्यूज हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे होते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, इसका कोई रीज़न नहीं होता है, क्यों हो रहा है, किसको होगा, किसको नहीं होगा, इसका कोई रीज़न नहीं होता है। मार्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पे, आप लोग किसी को अगर होगा और वो वीडियो देख रहे होंगे तो उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए होंगे मार्केट में। मैं आज एक ऐसे ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ जो उनको नहीं बताया होगा किसी ने, या जो मार्केट में लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये थोड़ा सीरियस मैटर है, प्लीज़ इसमें कमेंट्स में कोई भी गलत मत लिखिएगा। अभी तक आप लोगों ने पूवा थेरेपी ली होगी, सोरल की टैबलेट खिलाते हैं, एक घंटा खिलाते हैं, फिर आपको यूवी रेज देते हैं, या पैचेक्स टैबलेट आती है, या वाइट टैक्स टैबलेट आती है, बहुत सारी टैबलेट आती है हम, या कुछ लोशन लगाने को देंगे मेलगेन टाइप का, वो आपको बोलेंगे कि रात में लगाओ, सुबह धूप दिखाओ, ये करो, इनसे एक रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। एक्चुअली ये बहुत टफ होता है, ल्यूकोडर्मा को सेट करना, ट्रीटमेंट करना, ट्रीट करना बहुत ही टफ है, इसको सही करना, सफ़ेद दाग को इलाज करना बहुत टफ है। हम सर्जरी भी करते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग होती है, हम बैक से स्किन को निकाल के हम उसमें, उस एरिया में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हम लोग मिलेनोसाइट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मैं जो करता हूँ डिफरेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करूँ तो मेडिकल ट्रीटमेंट डिफरेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट डिफरेंट है। सर्जिकल अगर थोड़ा बड़ा एरिया है तो हम लोग क्या करते हैं, स्किन को निकालेंगे बैक से और वहाँ पर ग्राफ्ट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड स्किन ग्राफ्टिंग, ठीक है। एक होता है मिलेनोसाइट ट्रांसप्लांट, हम एक छोटा सा ग्राफ्ट निकालेंगे, उसमें से मिलेनोसाइट को एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड मिलेनोसाइट ट्रांसप्लांट। मगर चक्कर क्या होता है कि ये तब किया जाता है जब वो 2 साल तक बर्न नहीं रहा होता है, ठीक है। छोटा एरिया है, आपके 2 साल तक ग्रो नहीं हो रहा है, तो ये सब ट्रीटमेंट सक्सेसफुल आप कर सकते हो। मैं आज बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिनको फुल बॉडी में ऑलमोस्ट हो चुका है, आधा चेहरा कवर हो चुका है, आधे हाथ पैर कवर हो चुके हैं, इतना बड़ा एरिया कि हम उसको ट्रीट ही नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसी बहुत अच्छा कोई मेडिकली ट्रीटमेंट नहीं आया है अभी तक कि जो उसको सक्सेसफुली 100% क्योर कर दे, और ये कॉस्मेटोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा बुरा दिखता है, और इनको जिनको वर्क में इनको देखो जिसको होता है उसको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होने लगती है, वो डिप्रेशन में जाने लगता है, बिकॉज उसको समाज में रहना है, जब मार्केट में जाते हैं लोग अलग निगाहों से देखते हैं, और वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए देखो, क्योंकि ये कोई छूत की बीमारी नहीं है, किसी को भी हो सकती है।
तो जो लोग ऐसा करते हैं तो प्लीज़ वो भी उनको समझना चाहिए कि आपको कोई दिखे तो उसको इस तरीके से नज़रों से ना देखे। मेरे पास बहुत सारे स्कूल कॉलेज के बच्चे आते हैं, वो रोते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है कॉलेज स्कूल जाने में, मतलब ये होता है। तो प्लीज़ इन सबके साथ आपको थोड़ा अच्छा आपको अपना एटीट्यूड रखना चाहिए। आज मैं जो ट्रीटमेंट बात कर रहा हूँ, मैं उस क्रीम का नाम नहीं बताऊँगा, इस क्रीम का नाम मैं ऐसे नहीं बताऊँगा आपको। प्लीज़ जिनको ये है ल्यूकोडर्मा है, मैं नीचे अपने ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिंक दे दूँगा, प्लीज़ आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करिए मेरे से। मैं ये क्रीम के मैं डायरेक्ट नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज का मिसयूज हो सकता है। ये परमानेंट व्हाइटनिंग करता है, मतलब स्किन को मेलानोसाइट को परमानेंट व्हाइट कर देगा आपको परमानेंट। ये एक कलर जो मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, वो बोलते हैं मुझे एक कलर कर दो, या तो मुझे ब्राउन कर दो या तो मुझे व्हाइट कर दो, मेरे को चित कपड़ा कलर नहीं चाहिए। तो ये उनके लिए जिनको एक कलर चाहिए, जिनको वन कलर चाहिए। तो ये क्या करेगा कि फॉर एग्जाम्पल जिनको बहुत ज्यादा बॉडी में फैला हुआ है ल्यूकोडर्मा, उनको बहुत ज़्यादा बॉडी फैला है, तो हम उनको जो बचा खुचा ब्राउन पैच है, यहाँ पे ब्राउन पैच है या थोड़ा सा ब्राउन पैच यहाँ पे, तो उस जगह ये क्रीम लगा के हम उस पिगमेंट को भी ख़त्म कर सकते हैं। दैट मीन्स आप मेलानोसाइट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये मेलानोसाइट को डिस्ट्रॉय करती है। एक बात याद रखिएगा, ये बहुत सीरियस मैटर है, यहाँ पे ये इररिवर्सिबल है, हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, हम वापस पिगमेंट को वापस कभी नहीं बना पाएंगे। एक बार जो पिगमेंट चले गए वो परमानेंट जाएंगे, फिर लाइफ में वापस नहीं आएंगे, बिकॉज मेलानोसाइट कोई डिस्ट्रॉय कर रही क्रीम। 32 जर्मिनेटेड सेल के बीच में एक मेलानोसाइट होता है जो कि फैक्ट्री होती है जो मेलानिन पिगमेंट को बनाती है। तो लाइक माइकल जैक्सन ने क्या किया था, माइकल जैक्सन ने भी सेम यही चीज़ यूज़ की थी, जिससे वो फुल बॉडी वाइट होगी परमानेंट। बट इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, साइड इफेक्ट मतलब आपको धूप में जाओगे तो आपको रेडनेस जल्दी आ जाएगी, आपको थोड़ा इश्यूज हो जाएंगे, आपको थोड़ा केयर ज़्यादा करना पड़ेगा। बट ये उनके लिए है, ये सिर्फ मैं उनके लिए बना रहा हूँ वीडियो जो सिंगल कलर चाहते हैं, जिनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैल चुका है ल्यूकोडर्मा और जिनको दूसरे इलाजों से फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो अगर उनको सिंगल कलर चाहिए कि उनको चाहिए कि मेरे को पूरा वाइट कर दो, तो ये उनके लिए है ये क्रीम। मैं नाम यहाँ ऐसे नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका मिसयूज़ हो सकता है और मैं आई डोंट वांट कि इसका कोई मिसयूज़ करे, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है ल्यूकोडर्मा की और ऐसा है कि आपको सिंगल कलर चाहिए, वन कलर चाहिए, आप सारे ट्रीटमेंट ले चुके हो, कोई सक्सेसफुल नहीं हो रहा आपके लिए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे ऑनलाइन कंसल्टेशन फॉर्म भरिए, आपकी फोटो भेजिए, मैं आपको फिर आपको गाइड करूंगा कि इसको कैसे फॉलो करना है, कैसे करना है, क्योंकि ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मिसयूज हो सकता है। लोग फुल बॉडी गोरा होने के लिए यूज़ कर सकते हैं बट इसका साइड इफेक्ट फिर ज़्यादा हो सकता है। आई डोंट वॉन्ट कि कोई किसी भी चीज़ का मिसयूज़ किया जाए किसी भी टेक्नोलॉजी का, क्योंकि मुझे ये पता है बहुत अल्टीमेट चीज़ होगी इसको परमानेंट मतलब कलर को साफ करने के लिए, ये परमानेंट कलर को साफ करने के लिए चीज़ है, बट इसका कलर फिर आपको लाइफ में कभी कलर वापस नहीं मिलेगा। तो मैं ऐसा इसका नाम नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको पर्टिकुलर अगर जरूरत रहेगी तो ही मैं इसको डिस्क्लोज करूंगा, इसका नाम ऐसे नहीं बताऊंगा। दूसरी बात, आपको कोई भी इश्यूज है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता मुझे आके मैसेज कीजिए, आपकी फोटो भेजना और कोई भी इश्यूज है मुझे बताइए, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो प्लीज़ उन सब तक पहुँचाइए जो सच में जिनको इश्यूज़ हैं। और थैंक यू, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये थोड़ा सीरियस मैटर पर मैंने टॉपिक पे मैंने ये बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिनको इश्यूज़ हैं और मेरे साथ मैसेज आते हैं कि सर इस पर कोई वीडियो बनाइए, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर बनाया जाए। तो गाइज़ ये उनके लिए है जिनको सिंगल कलर चाहिए, और ये एक बात याद रखिएगा, ये परमानेंट पिगमेंट को डी पिगमेंट करेगा, परमानेंट पिगमेंट हटा देगा, मतलब दैट मीन परमानेंट वो वाइट कर देगा उस एरिया को। तो ये सीरियसली अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं कि मुझे किसी भी ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं हो रहा है और मुझे सिंगल कलर चाहिए, तो ही ये रीयूज़ करेगा और एल्स यूज़ नहीं करेगा, बिकॉज ये इररिवर्सिबल है, ये लाइफ लॉन्ग में आपके पिगमेंट वापस नहीं आएंगे। जस्ट लाइक माइकल जैक्सन ने जो यूज़ किया, वो वापस कलर वापस कभी आपका वाइट नहीं होगा, वो ब्लैक नहीं होगा, वो पिगमेंट नहीं आएंगे। तो बहुत सोच समझ के इसको फॉलो कीजिएगा आप। वैसे तो मैं इसका नाम ऐसे बताता ही नहीं, बहुत कम, बहुत ही रेयर पेशेंट को बताता हूँ जिनको मुझे लगता है कि बताना चाहिए, जस्ट बिकॉज क्रीम बेचना है या कुछ करना है, मैं यहाँ पे ये करने नहीं बैठा हूँ, मैं जस्ट एक अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूँ लोगों की सपोर्ट के लिए, सब लोगों को हेल्प के लिए। तो स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जिनको प्रॉब्लम है। थैंक यू।